सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर मूसेवाला की सुरक्षा क्यों घटाई गई और सिद्धू बुलेट प्रूफ कार से क्यों नहीं गए? पंजाब के मानसा में 29वें जन्मदिन से ठीक पहले सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 30 गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी गई। सिद्धू की हत्या से पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी वैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड ने ली है। गोल्डी बराड कनाडा में रहता है जबकि लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला पर हमले के एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में पहले 4 जवान तैनात थे लेकिन एक दिन पहले उसे घटाकर 2 जवानों को तैनात किया गया। लेकिन सवाल ये है कि हमले के वक्त सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? सिद्धू मूसेवाला अपने साथ सुरक्षा कर्मियों को क्यों नहीं ले गए? बुलेट प्रूफ गाड़ी होते हुए भी मूसेवाला उस गाड़ी में क्यों नहीं गए? और जब जान का खतरा था तो वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का असल जिम्मेदार कौन है। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोडिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोडिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।